कमांगणे कमांगणे, स्वागत है आप सभी का हमारे अखाड़े में, श्री हनुमान अखाड़ा। हमारे बापू साहब की विरासत है ये मने, और ये विरासत हमारा छोरा हमारा बेटा आगे लेकर जाएगा। हनुमान सिंह का मतलब मेरा एक सपना है, सपना यह है कि हमारा छोरा अपने देश के लिए, भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर लावेगा। तो आज आप सभी के लिए यहां हमारे अखाड़े में एक बहुत ही ऐतिहासिक दंगल होने वाला है, कुश्ती होने वाली है, और ये कुश्ती होगी हमारे छोरे जगत सिंह और हमारे सौतेले भाई जोरावर के बीच। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए है कि नहीं? साथ आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद है कि नहीं भाई? हाँ, खम्मा गणी। तो बोलो बजरंग बली की। आ जगत, गोल्ड चाहिए। नीचे से पकड़ जगत, खींच के ध्यान लगा के नीचे से घुस, घुसपट में लेट, ध्यान से आंखों में आंखें डाल, देख घुस, पटक जगत, जगत जगत, क्या हो गया जगत, जगत थारे नाम की छतरी बनाऊंगा धनवा गांव में, जगत थारा एक भी सपना पूरा नहीं होने दूंगा। उठ जगत, जगत को मारा सपना कौन पूरा करेगा? जगत उठ, कौन पूरा करेगा मारा सपना? अरे कसम है, हमारी छोरी केसरी नंदन। हुकुम सा, जानो जानो हमारा खून है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि हमारा सपना हमारा छोरा नहीं हमारी छोरी पूरा करेगी? छोरी छोरों में कोई फर्क को नहीं, मैं हूं केसरी हनुमान सिंह की छोरी। आपको पता है मैं हनुमान जयंती पर पैदा हुई हूं। अपने बापू सा के अखाड़े का नाम और केसरी झंडा मैं ऊंचा करूंगी, मैं लाऊंगी इंडिया का पहला गोल्ड मेडल और वो भी कुश्ती में। मैं हूं केसरी नंदन। थैंक यू। वेल केसरी, आपको हम सबका सलाम। एक बार जोरदार ताली हो जाए केसरी के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल ऐसा जज्बा अगर हर लड़की में हो तो आंगन से अखाड़े तक की जर्नी मुमकिन है। वेल थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन इट्स माय प्लेजर टू इनवाइट बैक ऑन द स्टेज विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन मिसेस नीना जयपुर। एंड द केसरी मूवमेंट विदाउट have been possible without the six times winner of the World Championship gold with the loudest cheer. Once again, ladies and gentlemen, the magnificent Mary Kom.
वेल मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इस खेल केसरी मूवमेंट का हिस्सा बने. आई एम स्पीचलेस एंड आई एम श्योर इट्स एन एक्साइटिंग मूवमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस हियर. आपने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में परचम किया. सो इफ आई हैव टू आस्क यू विद मेरी कॉम, केसरी नंदन जो शो है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहोगे आप? वेल ये कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लड़की लोग को जब टाइम मिलेगा सीरियल टीवी के सामने सीरियल देखना. इवन समटाइम आई ऑल्सो डू दैट एंड आई हैव सीन द स्टोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी दिस सीरियल रिलेटेड टू family related, you know, romance, boyfriend, girlfriend. तो बहुत सीन देख लिया मैंने. और इस बार ये केसरी नंदन ये related sports में मैं बहुत अच्छा लगा. और it's really, I think it's a good initiative for the upcoming kids, upcoming youth. You know, whenever they see watch this you know, serial, maybe they will be loved too. And this will be more aware to entire you know, nation. बच्चे लोग को मोर अवेयर होगा स्पोर्ट्स में. लड़की लोग को इतना दम है और कर सकते हैं. पहले बहुत लड़की लोग इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग फोगाट मी एंड अदर गर्ल्स ऑलरेडी अचीव इन अ बिग कॉम्पिटिशन. इवन इन देयर जर्नी दे हैव ऑलरेडी अचीव many things. तो आगे आने वालों लोग को बच्चों लोग के लिए inspiration, motivation is I think it's more needed, you know, more needed, indeed need है. तो इसमें मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगा and I wish that ये future में अच्छा ही होगा. Wish all the very best for the केसर नंदन वो आने वाला है. तो हम लोग भी और खुश होगा कि स्पोर्ट्स में इतना हम लोग को यू नो लड़की लोग को सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा. मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत मेरे लिए तो बहुत बहुत स्पेशल है. बोला आप दोनों के जुड़ने के बाद खेल केसरी मूवमेंट आई एम श्योर बहुत दूर तक जाएगा. बोल गीता आपका क्या रिएक्शन था जब चैनल ने आपको अप्रोच किया इसके लिए एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस खेल केसरी मूवमेंट? देखिए सबसे पहले तो बहुत ही प्राउड हो रहा है कि केसरी नंदन शो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहली बार हम टीवी पे सीरियल्स में हम सास बहू देखते हैं और ये पहली बार कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई शो स्टार्ट हो रहा है. और बहुत ही मैं बधाई देती हूँ कलर्स चैनल को कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है इस शो को लेकर के. और दूसरा ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये शो मैं रिलेट करती हूँ मेरी लाइफ से क्योंकि जो केसरी जो है वो भी पहलवान बनना चाहती है, पहलवान की बेटी है और बहुत सारा स्ट्रगल करती है गाँव से, राजस्थान के एक छोटे से गाँव से है केसरी भी. और यहाँ पे केसरी को ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके केसरी के पिता नहीं चाहते कि केसरी पहलवान बने. तो ये मुझे लगता है कि इस शो से जो आने वाले जो चाहे वो लड़कियां हैं या बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या फिर इस शो को देख करके यू नो कि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जो पेरेंट्स हैं खासकर कि उनके जो
पेरेंट्स या जो जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिनकी मेंटेलिटी है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स में ये शो ऐसे स्पोर्ट्स को लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों की जरूर इस शो से मानसिकता बदलेगी और एक समाज में एक बदलाव की शुरुआत होगी। और मैं बधाई देती हूँ पूरी कलर्स टीम को इस शो के लिए और उम्मीद करती हूँ कि ये शो बहुत ही आगे जाए, बहुत ही लोग इससे इंस्पायर हों और कमाल करें। वेल इंडीड, थैंक यू सो मच। और आप दोनों हम सभी के रोल मॉडल्स हैं, जितनी यंग लड़कियां हैं जो आज इंडिया में है उनके रोल मॉडल्स आप हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी हमारी जो लड़कियां हैं वो वांट टू गो बिग इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो जिनको बड़ा बनना है स्पोर्ट्स में, क्या एडवाइस होगी आप लोग की? मेरा एडवाइस तो मैं क्या एडवाइस दे दूँ, खुद मेरे को मेरे एग्जांपल खुद है एग्जांपल हूँ, एडवाइस की भी ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। जो ये स्टोरी है बहुत यू नो इट्स रियली टच, मैं भी बहुत कनेक्ट हो रहा है मेरा लाइफ से भी। और सच बताऊंगी तो मेरा भी बहुत रिलेटेड है मेरा लाइफ का। मेरे पापा ने भी ऐसे ही था कि बॉक्सिंग की ये मेल डोमिनेटेड है, तो जैसे कि बॉक्सिंग में भी लड़की लोग करना बहुत आसान नहीं था, ये करना आसान नहीं था, तो हम भी ये पार करके फाइट करके मेरे ज़िंदगी इधर तक ये प्लेटफॉर्म अभी जो मिला हूँ, ये आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ, ये प्लेटफॉर्म अभी तक मैं फाइट करके आया हूँ। मेरा स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी बचपन में जब मैं शुरू किया था तब से अभी फाइट, नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं किया। मैं गिव अप कर लेगा तो मैं आप लोग के सामने मैं अभी खड़ा नहीं हो पाऊँगी। ये रिलेटेड बहुत कनेक्ट हो स्टोरी है, तो क्यों हम लोग भी कर सकता है तो आगे आने वाला बच्चे लोग क्यों नहीं कर पाएगी। और मैंने क्या खास खा लिया और क्या खास ट्रेनिंग कर लिया, ऐसे कुछ नहीं पैदा नहीं हुआ है। आजकल बच्चे लोग भी, मैं पैदा हुआ वैसे या आजकल बच्चा लोग भी वैसे ही पैदा हुआ, लेकिन एक डिफरेंट है कि आजकल बच्चा तो अभी ऐसे पैदा हो के फिर स्मार्टफोन सब पकड़ लेता है, जब हमारा टाइम में स्मार्टफोन भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं था, तब तो हम लोग भी अचीव कर पाया, तो आजकल बच्चा लोग क्यों अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये यू नो ये मैसेज है कि हम लोग कर पाएगा तो आप लोग भी कर पाएगा, वही मतलब है। तो एक बार करके दिखाओ अपना देश को और ऊंचा करने के लिए, हम भी कर लिया आप भी कर लो। गीता, आपका मैसेज एंड मैरी कॉम दैट वाज रियली मोटिवेटिंग, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज क्या होगा हमारी? देखिए मैसेज तो मैरी दी ने दे ही दिया है और मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ कि जिस तरह से ये अभी भी देश का नाम रोशन कर रही हैं, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना, मुझे पता है कि कितना मुश्किल कितना हार्डवर्क इसके पीछे होता है, तो ये आसान चीज़ नहीं है। और अगर स्पोर्ट्स में बच्ची आना चाहती हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स ही क्यों, किसी भी फील्ड में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासन में रह के मेहनत करनी पड़ेगी। और
चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर हम सच्चे दिल से अगर हम मेहनत करते हैं और हमारे पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, और हम हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं. Well, thank you so much once again. Can we have a round of applause for the two champions? And with that, ladies and gentlemen, ab bulata hai hamari Nanni Kesari ko with the loudest cheer. Please welcome Kesari. Well, this is the first photo opportunity you can have. Our photographer's coming. सांसों में मिट्टी की खुशबू, खून में तेरे रवानी, कांटों पर भी चलकर तूने हार कभी ना मानी. वल खेल केसरी की शुरुआत हो गई है. And we thank both the champions who've graced this occasion. Thank you, Kesari, for joining us on stage. Thank you, Geeta. Thank you, Mary, for being a part of the Khel Kesari movement. Thank you so much. Can you welcome Kesari? Kesari, can we have you on the stage? Hanuman Singh. Madhvi, can we have you on the stage? Zoravar, Jagat, Rani Devi, and Bijli, can we have you guys coming on the stage? सांसों में मिट्टी की खुशबू, खून में तेरे रवानी.